क्लब। और भाई एक वीडियो भाई, तो भाई अपनी R3 का भी पेट्रोल ख़त्म हो चुका है फिलहाल, नाइट में तो ट्राई नहीं करते। क्या रेडी बे, क्या रेडी, क्या गो वाला है क्या? अबे क्या रेस लगाएगा बे तू, बच्चे से रेस लगाएगा? इनसे क्या ही रेस लगाओगे। अपनी गाड़ी में तो कुछ पावर नहीं उसके मुकाबले, जो वो गाड़ी मैं चला के आया हूँ तो फिर ये तो एकदम हल्की लग रही है। देखते हैं अपनी गाड़ी कितनी जाती है। ओ भाई तू मत लगा रेस, कोई ज़रूरत नहीं है, देखो देखो ऐसी विनर कोशिश कर देंगे अपन। ओ भाई भाई एक सेगमेंट की बाइक होती तो रेस लगाने में मज़ा आता है भाई। यहाँ कहाँ R3, कहाँ CBR 250 और कहाँ अपनी R15। CBR से तो थोड़ा बहुत लगाने का सोच भी लो, पर भाई R3 से कौन नहीं रेस लगाएगा अभी। तो यहाँ से अपना यूटर्न रहता है हमेशा की तरह। भाई आगे चलना है, आज का प्लान कैंसिल है बोल रहा है, यू टर्न नहीं जाना है आज, आगे चलना है। ओ भाई बिल्ली, ओ भाई खतरनाक बिल्ली होने वाली आज तो। भाई तू ट्राई मत कर, पहले गाड़ी कंट्रोल करना सीख ले। ओ भाई अबे पहले गाड़ी कंट्रोल करना सीख ले तो व्हीली उठाना। भाई अपनी गाड़ी संभाल रहा हूँ। निकल गया, दिलोने लोग कहाँ रुक गए? आ जाओ भाई आ जाओ, शर्म आनी चाहिए, R15 आगे और CBR और R3 पीछे है। ओ भाई खतरनाक वीली उठ रही है। अलग ही पवार है गाड़ी में उसमें, बट अभिषेक भैया ठीक से पिकअप नहीं उठा रहे उसका, थोड़ा स्लो ही चला रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो कहाँ निकल जाती गाड़ी।
भाई तो फिलहाल अपन चल रहा है आईपी क्लब, और भाई एक विली, ओ भाई खतरनाक उठ रही है विली तो सीबीआर में। ओहो भाई मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ओ भाई क्या कर रहे हैं, हाँ उठा रेस खेलेगा भाई, कहाँ से रेस लगाओगे तुम, हाँ इनसे लगाओ रेस। रुको रुको रुको, मैं निकलूंगा उसके बाद पांच गिन के निकलना ठीक है, मैं निकलूंगा पहले उसके बाद पांच गिन के पीछे जाना ठीक है। हाँ चलो, भाई आरत्री सबसे आगे निकल चुकी है, उसके पीछे सीबीआर और उसके पीछे अपूर्ण है R15 के साथ, और पीछा करो इनका। ओ भाई कहा निकल रही है गाड़ी, सुपर बाइक की पूरी फीलिंग्स R3 के साथ है। तू क्यों रेस लगा रहा है भाई, ऐसी विनर घोषित कर देते हैं R3 को, काहे का रेस है भाई, क्या रेस है ये एक R3 CBR 250 भाई, कॉम्पिटिशन ही नहीं है। मज़ा तो बहुत आ रहा राइड पे, बस अपनी गाड़ी उनके आगे पीछे भी नहीं भटक पा रही, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, आगे पीछे ही है अपन, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, बस वो अगर अपनी पावर का पूरा यूज़ करे तो फिर भाई नहीं भटक पाएंगे। R3 और R15 में बहुत अंतर है, देखो अपनी गाड़ी कितनी स्पीड में चलानी पड़ रही है इनके पास आने के लिए, उस अलग लेवल पर चल रहे लोग। गजब भाई कहता नाग उड़ी थी अभी, कई गजब उठा था अभी, लंबी जाती। ओ भाई ये क्या था, ओ गाइस फिलहाल पांडा भाई आ चुके, तो अब चलते हैं, इनको टोचन करके ले जाना होगा, पेट्रोल इनका ख़त्म हो चुका है, तो फिलहाल उनकी गाड़ी अभी के लिए तो स्टार्ट हो गई है, अब देखते हैं कहाँ तक जाती है सही सलामत। और अभिषेक भैया रेडी टू गो है, तो चलो चलते हैं भाई, टोचन देने की पूरी तैयारी चल रही है इनको, जहाँ गाड़ी बंद हुई वहाँ टेस्ट टोचन दे के लिए जाना पड़ेगा।
बंद हो गई गाड़ी, चलो अब टोचन देना पड़ेगा। तो भाई पांडा को धक्का दे दे के मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। 4-5 किलोमीटर तक मैं धक्का दिया और अभी राहुल दे रहा है। भाई मैं, एक तो मेरा पैर नहीं पहुंच पा रहा था, एक तो गाड़ी इतनी भारी है, इसलिए हालत ख़राब हो रहा है इसमें। तो भाई पैर दुखने लग गया मेरा, बुलेट एक तो ऐसी भारी है ये। थोड़ा सा टोचन मैं दे देता हूँ इधर से, दूसरा गियर लगा लो। तो भाई अपनी R3 का भी पेट्रोल ख़त्म हो चुका है भाई, हसीन हो गया भाई, ना पीठ नहीं देखना पर क्या हुआ, क्या पूरा टंकी सूख गया? ओ भाई अबे ये आगे तो है पेट्रोल पंप, अब कैसे करेगा, और कोई ऑप्शन है? डब्बा कहाँ ढूंढेगा अभी तू? चल अब कोई ऑप्शन नहीं, चल गाड़ी धक्का मार भाई। R3 जिसके जलवे देख रहे सब, इसके हलवे देखो। So WhatsApp everybody, अपना भाई लेके आया था R3 और सोचा था कि 500 रुपए पेट्रोल में आना चाहिए। हजार लगता हजार 10 और पावर यही तो बोल रहे थे। अरे ये तो है पेट्रोल पंप आगे, अपने को मोड़ेंगे कैसे? हाँ तो है, अरे यहाँ से वहाँ से जाएगा ना, वो लाइन से सर्विस रोड से रॉन्ग साइड जा नहीं सकते भाई, मैं बता। अरे कहाँ रॉन्ग साइड, सर्विस रोड चलो वो जाना।